प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर से कलश में जल भर के वापस माता के सेवा दरबार में पहुंची, जहां कलश की स्थापना की गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी और जय माता दी के जय घोष कर रही थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आलोक राय ने बताया। हमारा आलोक राय मीडिया प्रभारी। माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा से यह शोभा यात्रा निकाली गई है। माता मातेश्वरी सेवा दरबार में शारदीय नवरात्र और चैत नवरात्र के पावन पर्व पे हर वर्ष 10 से 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रथम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ ये भव्य शोभा यात्रा से निकाली जाती है। और यह हमारा शोभा यात्रा जनमानस को शांति का संदेश देता है, हमें किस तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए। तमाम निम्न जाति निम्न धर्मों वर्गों को जोड़ करके कलश यात्रा निकाली जाती है, इसमें कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं। यह कलश यात्रा हमें समाज को शांति का संदेश देते हुए एकता की शक्ति प्रदान करता है। कहां से कहां तक जाएंगे? माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेड़वा से प्रारंभ होकर के ये जाएगी गोरखनाथ मंदिर में भीम सरोवर में, वहाँ पे कलश में जल भरेंगे, उसके बाद फिर पुनः कलश जा करके पचपेड़वा दरबार में कलश की स्थापना होगी।